007 रेसिंग में आपका फिर स्वागत है। तो आज हम फिर खेलने वाले हैं मिशंस। तो आज के हमारे मिशन का नाम है रिवर रेस, जिसमें हमें चेरीज लिट को पकड़ना है और जॉज को, जॉज और चेरीज लिट को पकड़ना है। तो मिशन हमें पता है, लोकेशन लुइजियाना, टाइम 1900 आवर्स, मिशन ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट 4 TSP-6060 मिसाइल्स, 6060 मिसाइल्स, लोकेट TSP लॉन्चर, रीच फाइनल ब्रिज एंड डिसेबल बोट। ठीक है भाई, अब मिशन ब्रीफिंग पढ़ लेते हैं। धमाका और धुआं पूरा वेयरहाउस ढक देता है जब हम एंगर के दरवाजे तोड़ के निकलते हैं। डॉक्टर मेलेडी चेस को बचाने में और पूरे वेयरहाउस को उड़ाने में हम कामयाब रहते हैं। फिर भी जॉज और चेरी स्लिट भी जलते वेयरहाउस से बच निकलते हैं और कूद के एक स्मूथ और शाइनी पावर बोट को रिवर बैंक में लैंड करते हैं, जो कि वेयरहाउस के पीछे ही होता। फिर हम भी उसी वक्त एक चेस देते हैं वाइंडिंग रोड, जो कि बायू वाटरवेज के पैरेलल ही चल रही होती है, जो भी है। फिर हमें BMW का कंप्यूटर अलर्ट करता है एक इनकमिंग मैसेज के बारे में, जो कि M से होता है, MI6 से। 007, जो गाड़ियां तुमने न्यूयॉर्क में पकड़ी थी वो ट्रेस बैक हुई है एक यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जिसका प्राइमरी शेयर होल्डर डॉक्टर हैमोंड लिट है, वही सेम आदमी जिसने MI6 को अपनी किडनैप्ड बेटी चेरीस को बचाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। ऐसा लगता है कि उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके MI6 को डाइवर्ट करा था और उस दौरान उसने वो नाटो शिपमेंट पे अटैक अरेंज करवाया था। डॉक्टर लिट अभी हाल ही फिलहाल में अपनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और अब एक यूरोपियन यूनियन ट्रेड डिप्लोमेट हैं, जिसने पिछले साल से अपने फर्म के ऑटोमोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन को 3 गुना कर दिया है, सक्सेसफुली लॉबिंग करके इम्प्रूव्ड ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज की मदद से पूरे यूरोपियन यूनियन, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। ये तो साफ है कि लिट फैमिली उनकी ऑटोमोबाइल कंपनी और हाई टेक हथियार हाईजैकिंग और स्मगलिंग में कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा भी कुछ और हो। हर प्रिकॉशन लेते हुए चेरीस लिट को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक जानकारी का एक कीमती सोर्स हो सकती है। तो भाई, अब तो इसका बाप भी इसमें मिला हुआ है, तो गेम तो और भी बढ़िया होती जा रही है। अब देखते हैं आगे, फिर मिशन शुरू करते हैं वाला। ये रे वो मेटल था जो मैं बता रहा था, ये इस बंदे के सही में भाई चमक रहा। थर्मल स्कैन एक्सेप्टेड, हेलो 007, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू टू टर्न मी ऑन। स्ट्रक्चरल स्कैन्स ऑफ द वाटर वेसल कंक्लूड अ फ्रंटल अटैक इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट। द जीपीएस सिस्टम हैज आइडेंटिफाइड अ सूटेबल लोकेशन फॉर द अटैक। तो भाई, एक स्कैन के बाद हमें पता चला है कि सिर्फ सामने से अटैक होगा तभी ये बोट रुकेगी, और ये अटैक की एक जगह है जो जीपीएस ने मार्क करके दिया है, जहाँ से सामने अटैक हो पाएगा वो जगह पे पहुँचना है और बोट से पहले पहुँचना है। तो नॉर्मली तो पहुँचने देंगे नहीं ये लोग, तो देखते हैं क्या है भाई।
Watch out, James. Stay alert, 007. The car was never intended to sustain direct grenade impact. Warning 007, radio scan has picked up activity on the lower police band. Patching it through now. All right, boys! We've got ourselves a situation! The boat, the crazy sports car, and an alleged kidnapping! Get down to the riverbank on the dump! Take over, Sheriff Pepper. We're on our way! Warning. Exterior damage detected. Health mil jaye bas bhai aa gaye. भाई गए हम तो गई भाई मेरे ख्याल से तो गई. हाँ भाई गई. Target neutralized. Mission accomplished, 007. Radio scan indicates local authority. 99% भाई साहब. So I quit replay. फिर भी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे बताएं कि आपने नीचे कमेंट्स में क्या सोचा. धन्यवाद और हमेशा की तरह मैं आपको अगली वीडियो में देखूंगा. अलविदा.